जंगली जानवरों के हमलों की बढ़ती खबर चिंताजनक परिस्थितियों की ओर इशारा करती है। ताजा खबर उत्तराखंड में सितारगंज के रंसाली रेंज से सामने आई है। यहां वन क्षेत्र में लकड़ी बीनने गई एक महिला को तेंदुए ने अपना निवाला बना डाला। हादसे के बाद से पूरे गांव में लोगों के बीच खौफ पसर गया है। वहीं वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने खून से सना महिला का शव वन क्षेत्र से बरामद कर लिया है। क्या है पूरी खबर, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। हादसे के वक्त मृतका के साथ और भी कई महिलाएं मौजूद थीं। जब तेंदुए ने महिला पर हमला किया तो उनके साथ मौजूद अन्य महिलाओं ने शोरगुल मचाना शुरू कर दिया, मगर तेंदुआ मृतका को घसीटकर जंगल की तरफ ले गया। हादसे के बाद से ग्रामीणों के बीच दहशत पसर गई है। कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है और पूरे गाँव में सन्नाटा पसर गया है। पुलिस ने मृतका की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतका की पहचान ग्राम मगरसड़ा निवासी 55 वर्षीय सुमित्रा देवी के रूप में हुई है। वह गांव की अन्य महिलाओं के साथ रंसाली रेंज के सरौंजा में लकड़ी बीनने गई थी। उसके साथ उत्तरा देवी व श्रीमंता देवी भी थीं। लकड़ी बीनने के दौरान अचानक वहां खूंखार तेंदुआ आधमका और उसने लकड़ी बीनती हुई महिलाओं के झुंड के ऊपर हमला कर दिया। अन्य महिला तो तेंदुए के हमले से बच गई, मगर तेंदुए ने सुमित्रा देवी को अपना निवाला बना डाला। सुमित्रा देवी तेंदुए से बचने की जद्दोजहद करती रहीं, मगर तेंदुआ इतना अधिक ताकतवर था कि उसकी ताकत के आगे वे कुछ न कर पाईं। उनके साथ आई महिलाओं ने भी शोर मचाया, लेकिन सुमित्रा देवी को तेंदुआ वहां से घसीटकर जंगल की तरफ ले गया। वहीं महिलाओं ने तुरंत ही ग्रामीणों और वन विभाग को इसके बारे में सूचित किया, जिसके बाद वन विभाग अधिकारी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। वन विभाग कर्मियों को कुछ ही दूर पर सुमित्रा देवी का शव खून से लथपथ पड़ा मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हादसे के बाद से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीण वन विभाग से तेंदुए से निजात पाने की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है ये इस प्रकार की पहली घटना नहीं है जब वन्य जीवों ने आम लोगों पर हमला किया हो। अब देखना ये होगा कि वन विभाग और पुलिस द्वारा सुरक्षा के लिहाज से क्या कदम उठाए जाते हैं ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। फिलहाल के लिए इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।